कंटिन्यूइंग द सेम टॉपिक. तो व्हेन व्हेन रामलाल्स वाइफ गिव सजेशन दैट वी शुड सेंड बोली टू द स्कूल बिकॉज शी इज अगली, शी इज नॉट ब्यूटिफुल, शी इज नॉट प्रेटी एंड नोबडी इज गोइंग टू मैरी हर, सो वी शुड सेंड हर ऑफ टू द स्कूल. द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट बोली बाई द हैंड एंड सेड कम विद मी आई टेक यू टू स्कूल. क्या इसका इसका हाथ जबरदस्ती पकड़ के इसको बोला कि मैं आपको स्कूल लेके जा रहा हूँ. बोली वॉज फ्राइटन, शी डिड नॉट नो वॉट अ स्कूल वॉज लाइक. क्योंकि पुराना ज़माना था तो इसको पता ही नहीं थी बेचारी बोली को कि स्कूल क्या चीज़ है. ही पुल्ड हर बाई हिज हैंड. शी रिमेम्बर्ड हाउ अ फ्यू ईयर्स डेज अगो देयर ओल्ड कव लक्ष्मी हैड बीन टर्न आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड. क्या नाउ शी फियर दैट द वे माई फादर इज पुलिंग मी. तो बिफोर सम डेज लक्ष्मी वॉज द नेम ऑफ अ कव, शी वॉज सोल्ड आउट. ऐसे ही उसको घर से बाहर निकाला गया था और उसको बेच दिया गया था. नो 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 नो, शी शाउटेड इन टेरर एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर ग्रिप. इसने जोर से चिल्ला के अपना डर के मगर इसने अपना हाथ उससे छुड़वाया, बोला मैं नहीं आ रही हूँ. व्हाट्स द मैटर विद यू यू फूल, शाउटेड रामलाल. आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर. क्या ये इसको बोल रहा है कि तुम्हें क्या हो गया, मैं तुम्हें स्कूल लेके जा रहा हूँ, तुम अगर स्कूल नहीं गई तो सब लोग क्या बोलेंगे. न्यू क्लॉथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर बोली, द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वेर पास्ड ऑन टू हर, नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लॉथ्स, बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव ए क्लीन ड्रेस विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग्स एंड नो लॉन्गर फिटेड जंपर. मतलब बोली को बचपन से ही ऐसे ट्रीट किया गया था दैट शी वॉज अ मैल एडजस्टेड child, she was not a good child, she was not a beautiful child, a pretty child, a normal child who should receive every luxury or every priority. तो इसको बचपन से ना इसको नए कपड़े कभी लाए गए थे, ना इसके कभी कपड़े धोए जाते थे, ना इसको कभी साफ रखा जाता था. बट अनफॉर्चुनेट टुडे वॉज अ लकी डे वेन शी गॉट अ क्लीन ड्रेस. जो चंपा का था वो चंपा को वो पहुँचता नहीं था. She was even bathed and oil was rubbed into her dry and matted hair. क्या बोलते हैं इसको, लेकिन आज नहलाया भी गया और इसके बालों को ऑयल भी लगाया गया था. बोलते हैं इसके बालों पे चिपक गए थे इसके बाल, इतना मेल था. Only then did she begin to take better than her home. क्या अब इसको थोड़ा लगा कुछ नया हो रहा है मेरे साथ. And she felt better than being at home. Okay. When they reached the school, the children were already in their classrooms. Ramlal handed over his daughter to the headmistress. Left alone, the poor girl looked about her with fear-laden eyes. क्या रामलाल जब स्कूल पहुंच गया, अपनी बेटी को वहां पे छोड़ दिया, हेडमिस्ट्रेस के हाथों हवाले कर दिया और छोड़ दिया इस लड़की को. She wasn't knowing what is going to happen there. तो इसकी आंखों में डर था और ये सहम गई थी. There were several rooms and each room girls like her squatted on mats reading from books or writing on slates. बोलते हैं जब भी हर वहाँ पे स्कूल में तो बहुत सारे क्लासरूम्स होते हैं, तो इन एवरी क्लासरूम चिल्ड्रन वर प्लेइंग और सम वर रीडिंग, सम वर राइटिंग एंड सम वर जस्ट राइटिंग ऑन देयर स्लेट्स. द हेडमिस्ट्रेस आस्क्ड बोली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम्स. अब हेडमिस्ट्रेस ने इसको एक क्लासरूम में बैठने के लिए बोला, एक कॉर्नर में. बोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली अ स्कूल वाज लाइक एंड व्हाट हैपेंड देयर, बट शी वाज ग्लैड टू फाइंड सो मेनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर. शी होप्ड दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड. बोलते हैं बोली को, बोली वॉज नॉट नोइंग वॉट इज अ स्कूल लाइक, बट श्योरली शी बिकेम हैप्पी वाइल सीइंग द कंपनी ऑफ सो मेनी गर्ल्स देयर. And she was expecting that someone from these girls will become her friend. The lady teacher who was in the class was saying something to the girls, but Bodhi couldn't understand nothing. अब जब क्लास स्टार्ट हो गई तो टीचर आ गई पढ़ाने लगी, लेकिन सब लोगों को समझ आया नहीं आया, लेकिन Bodhi could not understand a bit of it. She looked at the pictures on the wall. वो तस्वीरों को देख रही थी जो वहाँ पे लगी हुई थी दीवारों पे. The colors fascinated her. The horse was brown just like the horse on which the tahsildar had come to visit there.
विलेज। अब ये इन शक्लों को देख के इमेजिन कर, इमेजिन नहीं सोच रही है कि तहसीलदार के पास भी घोड़ा है ऐसे ही था जैसा यहाँ पे बना के, ऐसे ही द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ दियर नेबर, बोलते हैं ऐसे इसने सोचा जो गोट वहाँ पे बनाई, वहाँ पे ABCD लिखा होता, जो गोट वहाँ पे बना के है वो गोट हमारे नेबर्स की ऐसी ही है। द पैरट वॉज ग्रीन लाइक द पैरट शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड। अब इसने वहाँ पे तोते तोता भी देखा तो ये सोच रही थी पैरट भी वैसे ही जैसे इसने मैंगो आम के बागों में बगीचों में देखा हुआ है। एंड द काउ वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी एंड सडनली बोली नोटिस दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाई हर साइड स्माइलिंग एट हर। क्या बोलते हैं, तो बोली ये चीज़ें देख रही थी तो अचानक से इसने क्या देखा, जो उसकी टीचर है शी वॉज इन फ्रंट ऑफ हर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हर एंड विद ए वेरी स्माइलिंग फेस। वॉट इज़ योर नेम लिटिल वन, तो टीचर का अप्रोच, उसने पूछा आपका नाम क्या है, बो 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 शी कुड स्टैमर नो फर्दर दैन दैट, तो हकलाई और इतना ही बोल पाई। देन शी बिगैन टू क्राई एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आईज इन अ हेल्पलेस फ्लड, बोलते हैं इतना रोई जैसे तूफान, जैसे दरिया में सैलाब आया हुआ था। शी केप्ट हर हेड डाउन एज शी सैट इन हर कॉर्नर नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स हु शी न्यू वेयर स्टिल लॉफिंग एट हर। व्हेन शी ट्राई टू अटर हर नेम तो शी कुडंट अटर इट प्रॉपरली, तो ऑल द क्लास स्टार्टेड लॉफिंग एट हर एंड शी स्टार्टेड क्राइंग लाइक हेल as the flood was going on, इतना इसने रोए और इसने अपने हेड को नीचे करके खामोश रही। Well, when the school bell rang, all the girls scurried out of the classroom, but Bully dared not leave her corner. Her head still lowered, she kept on sobbing. क्या बोलते हैं, जब बेल हो गई, लंच ब्रेक हुई होती तो हर एक अपनी क्लासेस से बाहर गया, बट Bully was there, she sat there, she didn't went out. और what happened, she was still, उसको वो जब रोने रोते 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 आप थक जाते तब भी आपको वो रोने की आवाज़ें आती, sob, she was sobbing with this, मतलब रोने से वो उसको अभी भी लग रहा था कि अभी ऐसे ऐसे हो रहा था।